विविध प्रकारच्या डाळी आयातीवर आधी सरकारचे निर्बंध होते, त्यामुळे केवळ परवानाधारक व्यापाऱ्याला 1 लाख टनाच्यावर डाळीची आयात करता येत नव्हती। त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत होता। मात्र गेल्या 2 दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेत आयातीचे सर्व निर्बंध उठवल्याने व्यापारी शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत। बाजारात डाळींचे दर स्थिरावले असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने मुंबई धान्य APMC मार्केटमध्ये व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे। या निर्णयामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे। योग्य दर शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, तसेच मनमानी कारभार व्यापारात सुरू होईल अशी भीती मुंबई धान्य APMC मार्केटचे व्यापारी हर्ष ठक्कर यांनी सांगितले। केंद्र सरकारने 15 मे रोजी नवा निर्णय घेत तूर, मूग आणि उडीद डाळीवरील आयातीचे सर्व निर्बंध हटवले, त्यामुळे आता कोणताही व्यापारी कितीही प्रमाणात या डाळींची आयात करू शकणार आहे। मात्र याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार असून त्यांना समर्थन मूल्यापेक्षा कमी भावात डाळींची विक्री करावी लागणार आहे। बाजारात डाळींचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असला तरी आयातीच्या निर्बंधामुळे स्थानिक दर कमी झाले आहेत। बाजारात प्रत्येक डाळ 100 रुपये किलोच्या जवळपास असून दर आटोक्यात आहेत। असे असताना निर्यातीवरील निर्बंध उठवल्याने तूर, मूग, उडीद डाळींचा भाव 15 ते 20 रुपयांनी घसरला असल्याची माहिती व्यापारी ठक्कर यांनी दिली आहे। यासोबत याचा फायदा सर्वसामान्यांना होईल असा अंदाज असला तरी याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे, असे देखील ठक्कर यांनी सांगितले। बाजार समितीमध्ये आधीच डाळींची उचल कमी झाली आहे। टाळेबंदीमुळे लग्न समारंभांवर मर्यादा आल्या असून हॉटेल देखील बंद आहेत, त्यामुळे डाळींचा बाजार थंडावला असून त्यात या निर्णयामुळे अधिक भर पडलेली आहे। आयात में तो ऐसा है कि ये जो प्रतिबंध हटा दिया है उसमें अपने देश के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। भले अपने आम जनता के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये इम्पोर्ट समझ लो बंद रखा था तब तक काफ़ी किसानों को भाव भी अच्छे मिले, बट आम जनता के लिए काफ़ी महंगा हो गया था सब कुछ दाल। जैसे कि आप उड़द की बात करें तो उड़द में भी जब से ये इम्पोर्ट ओपन हुआ 15 तारीख से, उसके बाद बाज़ार 10 से 12 रुपये कम हो गई है। अगर आप मूंग की बात करेंगे तो मूंग में भी बाज़ार में काफ़ी गिरावट आ गई है, उसमें किलो के पीछे 15 से 20 रुपया कम हो गया है। और वही देखते सभी मार्केटों में, जैसे कि तुअर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सब में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने मिली है और सामने डिमांड भी कम है, जिसकी वजह से मार्केट और डाउन आने का चांसेस है। यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि अभी उड़द दाल के भाव जो आज से 15 दिन पहले बढ़ के 110, 115, 120 तक जा चुके थे, आज वही दाम 100, 105 तक कम हो गए हैं। अगर आप मूंग दाल की बात करोगे तो मूंग दाल बढ़ के 100 रुपये के ऊपर बिकी थी, आज वही मूंग दाल 90 और 88 में यहाँ पे बिक्री है। वही चीज़ सेम आपको तुअर में देखने मिलेगी, चने में भी काफ़ी गिरावट आ गई है। चना दाल जैसे कि आज से 15 दिन पहले 66-67 रुपया भाव था, आज वो कम होकर 60 से 62 रुपया हो गया। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी फिर से ग्राहकों के लिए 9 से 11 का टाइम लागू कर दिया है, तो उसमें ऐसा है कि भाई काफ़ी लोग तो दुकान खोलते ही जल्दी बंद कर देते हैं। जैसे हमारा मंडी भी है, ये 11 बजे तो खुलता है और आप देख सकते हो कि भाई 11 बजे के बाद कोई ग्राहक यहाँ पे आता नहीं है, क्योंकि 9 से 11 उनका धंधा रहता है, उसके बाद उनका कामकाज बंद हो जाता है। उसकी वजह से हमारी मार्केट को भी अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान देखने मिला है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि हो सके तो ये टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दे, जिससे व्यापारी का भी धंधा होगा और बाकी ग्राहकों का भी फायदा होगा इसमें।